चलिए क्रिकेट न्यूज़ की बात कर लेते हैं जरा। और कई सारे क्रिकेट न्यूज़ यहाँ पर आई हैं, तो उसमें अगर देखें तो जो बड़ी क्रिकेट न्यूज़ आई है वो इन्हीं फोर कंट्रीज से निकल कर अभी के लिए आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सारी की सारी इत्तेफाक से सारी सारी एशियन टीम्स भी, एशियन टीम्स यहाँ पर नजर आ रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी कुछ ही देर पहले मेरे ख्याल से 4 बजे के आसपास जो है वो PCB के जो चेयरमैन है इस वक्त नजम सेठी सर, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया और उसमें उन्होंने कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड जो बड़ी अपडेट बिल्कुल, सबसे पहले बात करें जी हाँ, तो यहाँ पर पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर नजम सेठी, उन्होंने न्यू अपॉइंट किए हैं चीफ सेलेक्टर जी हाँ, जो कि फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर हारून रशीद जी हाँ, जो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर रह चुके हैं, वो इस पोजीशन को अब संभालते हुए नजर आएंगे। पहले वो एंटरिम सेलेक्शन में थे, सेलेक्टर सेलेक्शन कमेटी में थे, लेकिन उन्होंने वहां से रिजाइन दिया और अब इस पोस्ट को वो संभालते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, तो यानी क्लियर है कि अब से जब भी नेक्स्ट सीरीज पाकिस्तान खेलेगा तो जब भी आपके स्क्वाड की बात होगी, इसका चर्चा होगी, तो फिर हारून राशिद जो है वो डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे एज अ चीफ सेलेक्टर। तो खैर, अब यहाँ पर एक और न्यूज है और वो कहीं ना कहीं जुड़ती है अफगानिस्तान क्रिकेट से। जी, आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली अफगानिस्तान की 3 ODIs जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बिल्कुल तय थी, उनके शेड्यूल में थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने वो खेलने से मना कर दिया। रीजन आप सबको बहुत अच्छे से पता है। तो वहां पर जब वहां पर खेलने से मना करें, तो वो स्पेस जो है वो कहीं ना कहीं उनको भरने के लिए अफगानिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट को अप्रोच किया था कि आप हमारे साथ 3 मैचों के क्या ODI सीरीज खेल सकते हैं उसी उन्हीं डेट्स पर, उसी शॉर्ट टाइम पे, मार्च के आसपास। तो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान वेट कर रहा था आंसर का, अब फाइनली पाकिस्तान का जवाब यहाँ पर आ गया है। एंड जवाब क्या है, क्या ग्रीन सिग्नल है या कुछ और? नहीं, जरूर देखिए, ग्रीन सिग्नल तो जरूर है जी हाँ, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज है जी हाँ। यहाँ पर प्रेसिडेंट की तरफ, PCB प्रेसिडेंट की तरफ से यहाँ पर ODI को हटाकर T20I कर दिया गया है जी हाँ। 3 ODI की रिक्वेस्ट यहाँ अफगानिस्तान ने रखी थी, पर यहाँ 3 T20I की सीरीज यहाँ रख दी, और कब? PSL के ठीक खत्म होने के बाद। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, लेट मार्च को ये सीरीज जो है ये शुरू होगी, और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज खेलनी है पाकिस्तान को अप्रैल में, उससे पहले ये खत्म होगी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं चलिए कम से कम ODI ना से, लेकिन T20I मैचों की सीरीज अब तय है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान में होनी है। और यहाँ पर एक और PCB के चेयरमैन ने उसे इस चीज को लेकर कंफर्म किया कि यार बात है, शारजा में ये मैचेस खेले जाएंगे। आपको बता दें, शारजा में यहाँ पर मैचेस खेले जाएंगे। और उन्होंने एक चीज और कही कि जो भी रेवेन्यू इस सीरीज से आएगी उसको हाफ आप बांट लेंगे, हाफ PCB रखेगा और हाफ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला जाएगा। तो खैर, ये बात हो गई इस सीरीज से रिलेटेड, यानी अफगानिस्तान को डेफिनेटली एक पॉजिटिव चीज आएगी, एक सीरीज जरूर यहाँ पर मिल गई है ऑस्ट्रेलिया के बैक ऑफ होने के बाद। अब यहाँ पर चलते हैं अलग न्यूज। जी हाँ, नेपाल क्रिकेट की बात करें तो डेफिनेटली चीजें बिल्कुल भी कुछ ठीक होती हुई नजर नहीं आ रही। अगर हम बात करें स्पॉट फिक्सिंग से रिलेटेड जो मैटर्स चल रहे थे, उसमें 2 प्लेयर्स को कहीं ना कहीं अरेस्ट किया गया। जी हाँ, बिल्कुल 2 प्लेयर्स को अरेस्ट किया गया। काफी सुबह ही मेरे ख्याल से न्यूज आ गई थी और अभी हम वीडियोज में आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। 2 प्लेयर्स को अरेस्ट किया गया, वो है जी हाँ, फॉर्मर क्रिकेटर की बात करूं तो महबूब आलम जो है, मेरे ख्याल से शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी शायद उनका नाम है, मुझे याद है। जी हाँ, बिल्कुल। और उनके साथ साथ आदिल अंसारी, जी हाँ, ये नाम देखकर बड़ा हम खुद पर्सनली बड़े हैरान हुए थे। इतना अच्छा आपको इंटरनेशनल डेब्यू मिल गया, उसके बाद अभी एलिगेशन है उसके तहत कुछ ना कुछ तो मिला होगा, तभी अरेस्ट किया है। कोई ना कोई चीज तो जरूर होगी इसके बदले अरेस्ट किया है। बाकी देखना है कि इस एलिगेशन की सच्चाई है कितनी या फिर नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए इन 2 प्लेयर्स को यहाँ पर अरेस्ट जरूर किया गया है, महबूब आलम जो फॉर्मर क्रिकेटर थे और आदिल अंसारी जो अभी कहीं ना कहीं उभरते हुए प्लेयर नेपाल टीम के लिए नजर आ रहे थे। खैर, ये 2 अरेस्ट यहाँ पर जरूर हुए हैं, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली अच्छी न्यूज से ज्यादा यहाँ पर नेपाल क्रिकेट से अगर बात करें तो बुरी और कंसर्न वाली न्यूज ज्यादा नजर आ रही है। अब एंड लास्ट, अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश क्रिकेट से क्या कुछ न्यूज आपके पास है? बिल्कुल, बांग्लादेश क्रिकेट की बात करें तो जी हाँ, उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी चेंज यहाँ पर देखने को मिली है। जी हाँ, मेहदी हसन मिराज जो कि लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उन्हें आखिरकार ऑल फॉर्मेट कॉन्ट्रैक्ट जरूर मिला है। जी हाँ, T20, ODI एंड टेस्ट का तीनों में उन्हें कॉन्ट्रैक्टेड लिस्ट में रखा गया है, ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, फर्स्ट टाइम वो आए और उनकी मेहनत दिख रही थी जो उन्होंने की है सालों साल। लेकिन एक बुरी खबर जरूर है जी हाँ, यहाँ पर महमूदुल्ला को टेस्ट में तो बिल्कुल नहीं थे वो, और T20I से भी हटा दिया गया है। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा अजीब है कि T20I से भी उनको कॉन्ट्रैक्टेड लिस्ट से हटा दिया गया, और सिर्फ अब वो ODI में रह गए हैं एज अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर।
बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं अपडेट्स थी जो इन चार मैचों से यहाँ पर निकल कर आई हैं। और कोई भी क्रिकेट न्यूज और अपडेट्स के लिए आप डेल क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए एफर्ट के लिए, और लगातार बने रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ। फुल मेंबर्स हो या फिर एशियन क्रिकेट की न्यूज, कंप्लीट क्रिकेट न्यूज और अपडेट्स आपको सिर्फ और सिर्फ और एनालिसिस आपको डेल क्रिकेट चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में बाय।